दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के देहरादून में स्थित पर्यटक स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क के बारे में। लच्छीवाला नेचर पार्क उत्तराखंड राज्य के देहरादून से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, जो वर्तमान समय में देहरादून का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। यह पार्क जंगल के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए अगर आप किसी शांतपूर्ण जगह की तलाश कर रहे हैं तो यह पार्क आपके लिए बेस्ट है। लच्छीवाला नेचर पार्क के खुलने और बंद होने का समय क्या है? इस पार्क का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सर्दियों के मौसम में यह पार्क सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। गर्मियों के मौसम में सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है। लच्छीवाला नेचर पार्क में हम किन किन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं? इस पार्क में जाने पर आपको सड़क के दोनों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, स्विमिंग पूल, बोटिंग एक्टिविटी और कैफेटेरिया देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट के रूप में पहले से पहचान रखता है, लेकिन अब इसे नेचर पार्क के तौर पर विकसित किया गया है। साथ ही नॉलेज पार्क बनकर भी उभरा है। प्रकृति के सुरम्य वादी में स्थित इस पार्क में बना म्यूजियम अपने आप में आकर्षण है। म्यूजियम को धरोहर नाम दिया गया है। म्यूजियम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत के दर्शन होते हैं। धरोहर में ढोल, दमाऊ, रणसिंघा, भंकोर, मोछंग, हुड़का जैसे पारंपरिक लोकवाद्य सभी का ध्यान खींचते हैं। तो यहाँ का पारंपरिक पहनावा, मूर्ति व काष्ठकला, सीमांत क्षेत्रों के मुखौटा, नृत्य के मुखौटे, रसोई में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, पारंपरिक बीज आदि से भी सैलानी परिचित हो रहे हैं। म्यूजियम में बच्चे ये भी जान सकते हैं कि बीज से पौधा कैसे बनता है। साथ ही 3D थिएटर में वन्य जीवों का सामने से गुजरने का एहसास अपने आप में एकदम नया अनुभव है। स्विमिंग पूल पार्क के अंदर 3 तरह के स्विमिंग पूल है, जिसे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अलग अलग ऊंचाई का बनाया गया है। ये तीनों पूल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें नदी से पानी आता है। इसमें नहाने के लिए एयर टाइट ट्यूब की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बोटिंग, यहाँ पर इस पार्क में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग का किराया 50 रुपए रखा गया है। कैफेटेरिया, पार्क में मौजूद कैफेटेरिया के सामान का प्राइस बहुत ही महंगा है, इसलिए अगर आप इस कैफेटेरिया से
कैफेटेरिया। पार्क में मौजूद कैफेटेरिया के सामान का प्राइस बहुत ही महंगा है, इसलिए अगर आप इस कैफेटेरिया से कुछ खाने की सोच रहे हैं तो कब आपकी जेब खाली हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर आप इस पार्क में जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर जाएं। क्या लच्छीवाला नेचर पार्क में पार्किंग की सुविधा है? हाँ, इस पार्क में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें बाइक, स्कूटर, कार, टैक्सी और ऑटो के अलावा बस, ट्रक और ट्रैक्टर को भी पार्क करने की सुविधा उपलब्ध है। इस पार्क में इन सभी व्हीकल्स का पार्किंग प्राइस इस प्रकार से है। लच्छीवाला नेचर पार्क में कैसे जाएं? लच्छीवाला नेचर पार्क में जाने से पहले आपको देहरादून जाना पड़ेगा, जहां आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज किसी से भी जा सकते हैं। देहरादून से लच्छीवाला नेचर पार्क की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। लच्छीवाला नेचर पार्क हवाई जहाज से कैसे जाएं? पार्क का नजदीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून में स्थित है। पार्क में पहुंचने के लिए इस हवाई अड्डे से बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। ट्रेन से कैसे जाएं? इस पार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो यहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से लच्छीवाला नेचर पार्क में जाने के लिए आपको बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। बस से कैसे जाएं? लच्छीवाला नेचर पार्क में जाने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून जाना पड़ेगा और वहां से दूसरी बस या टैक्सी पकड़कर आप इस पार्क में पहुंच सकते हैं।